हाँ बेटा जाता हूँ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 से डाउट पूछ लो बेटा। वन एंड थ्री क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ओके सर, फिर फोर्थ 21 24 सर, 5 6 9 1 3 है ना, 5 6 9। देखो 1 क्या है, कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट्स रेडियस डिक्रीज बाय 0.1%। द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली, रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, रो एल बाय ए के। एरिया को लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 ये किसके बराबर होगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 माइनस 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? एक बात और आप देखिए कि पाई आर स्क्वायर इंटू एल ये कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू रहेगी 0, है ना। तो सर, यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये बोल रहे हैं कि लेंथ को स्ट्रेच करके रेडियस को 0.1% डिक्रीज कर दिया, तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 की वैल्यू क्या है, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 की वैल्यू है -0.1। तो यहाँ पर माइनस जीरो, तो 2 इंटू -0.1 करोगे प्लस डेल्टा एल बाई एल करोगे तो ये बराबर आ जाएगा 0 के। तो डेल्टा एल बाई एल की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.2। ये डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, है ना। तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 को तो लिख दिया 0.2, और माइनस 2 इंटू माइनस ऑफ 0.1, तो 0.2 प्लस 0.2 यानी 0.4% का चेंज इसमें। ये बात समझ में आती है? यस सर। उसके बाद बात कर रहे हो तुम क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3 की, थ्री है ना। तो देखो क्या है बेटे, द टू एंड्स ऑफ ए यूनिफॉर्म कंडक्टर आर जॉइंट टू ए सेल ऑफ ईएमएफ ई, है ना। ये कंडक्टर है, इसके दो एंड्स को हमने सेल ऑफ ईएमएफ ई से कनेक्ट कर दिया, और इस सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, यहां से मिड पॉइंट ऑफ द कंडक्टर से स्टार्ट किया अपन ने, मान लो मिड पॉइंट को एम नाम दे दो।
मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. देखो करंट तो ऐसे फ्लो करेगा इसके अंदर, करंट विल फ्लो लाइक दिस. और करंट की डायरेक्शन में चलते 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 वापस इस पॉइंट पे पहुंचना है अपने को. अब देखो बेटे, हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो कंडक्टर में तो पोटेंशियल कम होता है ना. ठीक है. यस सर. तो मिड पॉइंट पे आप रहे हैं, वहां से पोटेंशियल को कम होना है, और लेंथ के साथ तो लीनियरली ही कम होगा. तो लेंथ के साथ लीनियरली पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस. ठीक है. फिर उसके बाद क्या होगा बेटे, कम होते होते जब बैटरी में अपन जाएंगे तो बैटरी के अक्रॉस जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, राइट? तो वापस से, अब देखो बैटरी के अंदर तो एकदम से बढ़ेगा पोटेंशियल, एकदम से बढ़ेगा, और फिर वापस जब आओगे एम पॉइंट पे तो वापस से कम होगा. तो कम होकर के वापस से एम पॉइंट पे जितना था उतना तो आना ही आना है ना. तो ये कहानी रहनी चाहिए इसकी. अच्छा, अब ये बैटरी के अक्रॉस कितना बढ़ेगा ये एक मुद्दा है. तो ये जो भी बढ़ेगा इट विल बी लेस देन ई हो, जो भी बढ़ेगा इट विल बी लेस देन ई. ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. फिर 1-3 के बाद बारी आती है किसकी, 5 की. देखो 5 क्या है बच्चों, ये डिस्कशन करने की इच्छा है ना तुम्हारी कि नहीं है भाई? है सर. ऐसा तो नहीं है तुम्हारी इच्छा नहीं है, मैं जबरदस्ती डिस्कस करवा रहा हूँ. नहीं सर, करना है डिस्कस. हाँ भाई, मेरा ओपिनियन क्या है, कर लो तो अच्छा रहेगा, ताकि क्या है आधा काम तो प्रैक्टिस का ही होता है. ये ऐसा है, ये E1 है, ये R1 है, ये R है, ये E2 है, और ये R2. ठीक है. ऐसा. अब क्या है, ये बोल रहे हैं कि R के किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R थर्मल पावर जनरेटेड इन R विल बी मैक्सिमम. तो देखो क्या है बेटे, इसको और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना. और वो बैटरी का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा, R1 और R2 को इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह से ही मानो, तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा. और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो ये पूरा एक बैटरी और एक रेजिस्टर हो गया, और ये कैपिटल R हो गया, है ना. अब इसमें पावर मैक्सिमम जनरेट करनी है आपको. E1 इसका E इक्विवेलेंट फिक्स वैल्यू हो गई, इसकी R इक्विवेलेंट फिक्स वैल्यू हो गई.
मैक्सिमम पावर के लिए क्या होगा, ये दोनों बराबर ही तो आ जाएंगे, नहीं? तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमम पावर आर शुड बी इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, है ना? एक्सटर्नल रेजिस्टर शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टर, यस क्यों बेटे? सर इसमें बिना इंटरनल रेजिस्टेंस माने और कोई तरीका है क्या? अरे वो बहुत लंबा है बेटे, क्या है, आप पूरा करंट वरंट निकालो, पावर का एक्सप्रेशन लिखो, फिर उसको मैक्सिमाइज करने की सोचो, अल्टीमेटली रिजल्ट यहीं पे पहुंचोगे, समझ रहे हो ना भाई? क्या है, आप यहाँ पर वोल्टेज अज्यूम कर लो, ये जो सर्किट है इसमें यहाँ पे जीरो जीरो जीरो, इधर लिख लो ई वन, इधर लिख लो ई टू, यहाँ पे लिख लो एक्स एक्स एक्स, नहीं? फिर क्या है, इस जगह पर केवीएल केसीएल लगा दो, यहां से जाने वाला करंट, यहां से जाने आने वाला करंट और यहां से आने वाला करंट, ये सब बराबर है आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई थ्री, नहीं? हाँ सर समझ गया, हो जाएगा। फिर उससे करंट निकालो, फिर आई स्क्वायर आर का एक्सप्रेशन लिखो, फिर उसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज करो, है ना? उससे अच्छा ये कॉन्सेप्ट अपने को पता है, इसका यूज करो, जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, देखो क्या है, अ रेजिस्टर आर इज कनेक्टेड टू अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल बैटरीज ईच विद ईएमएफ ई एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, है ना? एक रेजिस्टर आर है, उसको कैसे कनेक्ट किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल बैटरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल बैटरीज ईच विद ईएमएफ ई एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईच विद ईएमएफ ई एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक है? और इससे हमने कनेक्ट किया हुआ है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अब क्या है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर पूछ रहे हैं, तो इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह से ट्रीट कर लो आप, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ तो ई ही आ जाएगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर बाय टू आ जाएगा, और ये कनेक्टेड है कैपिटल आर के अक्रॉस, तो कितना करंट फ्लो होगा, ई अपॉन आर प्लस आर बाय टू, तो ये हो जाएगा टू ई अपॉन टू आर प्लस स्मॉल, टू ई अपॉन टू आर प्लस स्मॉल आर, ये करंट आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बेटे? अब ये करंट आ गया, आपको पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर पता लगाना है, तो वो कैसे पता लगाओगे, आई इंटू आर, यानी टू ई आर अपॉन टू आर प्लस आर, ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर पता चल जाए, क्यों बेटे? यस सर, ये आ गया उनके, उनके उनके रेजिस्टेंस को ही हम लोगों ने पैरेलल वाले से ऐड किया ना सर? नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वाला फॉर्मूला लगाया ना बेटे? हाँ सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वाला फॉर्मूला लगाया, तो इसका इक्विवेलेंट ये आ गया, और ये आर बाय टू और कैपिटल आर सीरीज में है, ऐसा मान लो ई अपॉन आर प्लस आर बाय टू, ये करंट आ जाएगा पूरा, नहीं? अच्छा, और इसके बाद कौन सा था, 1356 के बाद 7 हो गया बच्चों, यस सर, 8 तो क्लास नोट्स में है अपने, या 8th में डाउट है,
नहीं सर। नाइन्थ सर 22 नाइन्थ में, नाइन्थ में डाउट। देखो नाइन्थ क्या है, इस तरह से हमें ए और बी दो टर्मिनल्स दिए हुए हैं। ए टर्मिनल है, यहाँ से एक रेजिस्टर आ रहा है 2 ओम का, और फिर आगे जा करके एक आ रहा है 15 ओम, फिर इधर से कनेक्टेड है कितना 10 ओम का, और फिर आगे से कनेक्टेड है क्या बेटे, एक ऐसा वायर, और इधर से आ रहा है एक 5 ओम, एक 20 ओम, एक 30 ओम। और इधर आ रहा है 40 ओम। अच्छा यहाँ पर भी 2 10 ओम है, 1 10 ओम नहीं है, दो, सर उधर भी 8 ओम है, 5 ओम की जगह 8 ओम है। 8 है क्या? एक मिनट, हाँ ये वाला 8। और कैसे कनेक्शन हो रहा है? अच्छा देखो बेटे, जो जो वायर्स आइडियल वायर से कनेक्टेड है ना, जो जो पॉइंट्स, उनको सेम पोटेंशियल पे मान लो आप। है ना, ए ए ए ए ए, और ये सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, बी 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 बी, हाँ। अच्छा वैसे यार अपने ये गलती कर दिया, यहाँ पर तो ए और बी पहले से लिखा ही हुआ था, ठीक है, तो इसको कुछ और नाम देना चाहिए एक्चुअली हमें। इसको नाम दे दो सी 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 सी, इन सबको नाम दे दो डी 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 डी, है ना, 15 और 10 25, 40 और 10 50, 20 और 30 50, तो क्या होगा? दो ओम है ना, और 15 और 10 25, ठीक है, तो 15 और 10 किसके बीच में कनेक्टेड है, सी से डी के बीच में, तो ये सी है और इधर डी, तो ये 25 ओम है, ठीक है। अब ये ए है, ठीक है, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट क्या है, ये डी, ठीक है, ये सी और डी के बीच में 25 वाला बना चुका हूं मैं, ये 10 और 10 20, ये सीधा ए और डी के बीच में आएगा, सॉरी सर वो आपने सी और डी से के बीच, सी और डी के बीच में, तो सी और डी के बीच में ही मैं बना दूंगा कितना 50 ओम, समझ रहे हो। फिर उसके बाद इधर बी आएगा, बी से डी, बी से डी के बीच में 8 ओम है ना, तो बी से ये रहा डी के बीच में लगा दिया कितना 8 ओम,
और डी से सी के बीच में 50 ओम, ये डी और सी के बीच में 50 ओम और है, 20 और 30 मिलकर, तो यहाँ 50 ओम और आ जाएगा, समझ रहे हो? तो ये 8 ओम आ गया। अच्छा, ए और सी के बीच का 2 ओम आ गया, ये दोनों आ गए, 15 और 10 25, 40 और 10 50 आ गया, 20 और 30 50 भी आ गया, सारे रजिस्टर आ गए। अब ये 50 और 50 और 25 ये पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट 50 और 50 का 25, 25 और 25 का 25/2, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, 2 + 8 + 25/2। क्यों बच्चों, आर इक्विवेलेंट जो है वो 2 + 8 + 25/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर, है ना। और बोलो भाई। सर 11th क्या है, एक मिनट पढ़ो तो बेटा। The effective resistance between P and Q of electrical circuit shown in the figure is. Effective resistance between P and Q. Okay. Yeah, P और Q के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता लगा। ओके, अरे तो ये तो सिमेट्रिक सर्किट है ना भैया, है ना? ये जो वर्टिकल वाली जो लाइन बिछी हुई है ना, इसको हटा दो, जिन दो वायर्स का रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है ना, उनको हटा दो आप बड़े आराम से, उनमें से करंट थोड़ी फ्लो करेगा, समझ रहे हो बच्चों? हाँ सर, उनमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। आप ऐसे देखो ना, ऊपर भी दो 2R 2R हैं, बीच में RR हैं, सबसे नीचे भी 2R 2R, तो जो भी V वोल्ट लगाएंगे वो बराबर बराबर ही तो डिवाइड होगा कि नहीं? हाँ सर, है ना, तो वो बराबर बराबर डिवाइड होगा, तो उसलिए करंट तो उसमें से कुछ फ्लो करेगा ना। तो उसको हटा दो, हटा दोगे तो क्या होगा, 2R और 2R सीरीज में 4R, फिर नीचे वाला भी 2R और 2R सीरीज में 4R, है ना, और फिर स्मॉल R और स्मॉल R भी सीरीज में 2R। अच्छा, वो 4R और 4R पैरेलल में है, तो पैरेलल वाले बन करके तो हो जाएंगे कितना, 2 × R। सर तीनों एक दूसरे के पैरेलल है ना? तीनों पैरेलल में, यस, तीनों पैरेलल में। तो पहले दो के पैरेलल का मतलब निपटारा कर दो तुम, फिर वो तीसरे वाले को भी देख सकते। हाँ सर, समझा, है ना। और बोलो। कौन सा बेटे? 10th ओके, 10th क्या है, एक मिनट रुको। टेंथ क्वेश्चन में क्या दिया, 10th की बात कर रहे हो ना? हाँ सर, ये क्यूब वाला, क्यूब वाला तो किया था ना भाई हमने, ये क्यूब वाला तो क्लास में किया है ना बच्चों, ऐसा कि नहीं किया? किया सर। क्या बोल रहे हो?
क्या क्या बोल रहे हो बेटा, टेंथ वाले के लिए कुछ बोल रहे हो क्या? सर 1 और 3 पॉइंट के बीच में। अच्छा 1 और 3 वाला में दिक्कत आ रही है तुमको। ओके देखो देखो, 1 और 3 का मतलब क्या है, कोई भी दो फेस डायगोनल, नहीं 1 और 3 का मतलब क्या है, कोई भी दो फेस डायगोनल। तो आप इस तरह से इसको बना लो, जो दी हुई है वही वाली ले लेते हैं। वन और थ्री के बीच में रेजिस्टेंस पता करना। अब देखो यहां से जो करंट जाएगा बेटे, वो जितना 2 की तरफ जाएगा उतना ही 4 की तरफ भी जाएगा, है ना। 5 वाला करंट कुछ और होगा, 5 वाला करंट अलग होगा, उसको आप I-2x लिख सकते, उसको आप लिख सकते हो कितना, I-2x। उसी तरह से क्या होगा कि जब करंट इकट्ठा होगा तो यहां से x आएगा और यहां से भी x आएगा। अब इधर से x आया, इधर से x आया, तो 4 और 8 को हटा दो आप। सिमिलरली यहां से x गया, यहां से x गया, तो 2 और 6 वाले को भी हटा दो। तो 4 और 8 हट गया और उधर से 2 और 6 हट गया, तो आपके पास सर्किट कैसा बचा, 1 से 4, 4 से 3, और ये ऐसा 1 से 4, 4 से 3, और एक आएगा 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। तो एक तो ये हिस्सा कंप्लीट हो गया, फिर एक उधर आप जाओगे तो 1 से 5 जाएगा, है ना, और 5 से फिर पीछे जाकर के 6 पे जाएगा, फिर 6 से 7 पे जाएगा, फिर 7 से 3 पे जाएगा, फिर 7 से 8 पे भी जाएगा, और इधर 5 से 8 पे जाए, है ना। 4 से 8 और 2 से 6 वाला मैं हटा चुका हूं। अब देखो ये दोनों सीरीज में है, तो R और R मिलकर के कितना हो गया, 2R। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, R और R मिलकर के ये हो गया कितना, 2R।
यस ठीक है, कौन सा, वन से फोर और फोर से थ्री वाला? तो वन और थ्री के बीच में डायरेक्टली लगा सकता हूं कितना, टू आर, और यहां से वन से थ्री के बीच में फिर लगा सकते हैं कितना, टू आर, ठीक है। अच्छा ये दोनों पांच से छह और छह से सात वाला, ये अपने आप में एक सीरीज में आ रहा है, तो ये टू आर हो जाएगा, और पांच से आठ और आठ से सात वाला ये भी टू आर हो जाएगा, टू आर प्लस टू आर एड होकर के आर हो जाएगा, है ना। तो एक से पांच में जा रहा है, एक से पांच में जा रहा है आर, और पांच से छह, छह से सात, आर और आर मिलकर के टू आर, ये और आर मिलकर के टू आर, तो टू आर और टू आर मिलकर के हो गया आर, है ना। और वो आर किसके बीच में रहेगा, फाइव से सेवन के बीच में, फाइव से सेवन के बीच में रहेगा आर, और सेवन से थ्री के बीच में रहेगा फिर आर, है ना। तो ये वन है और ये थ्री, तो क्या होगा, 2R और 2R का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R, और R प्लस R प्लस R कितना हो जाएगा, 3R। तो एक लगा हुआ है ऊपर 3R, एक लगा हुआ है नीचे R, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 3R इंटू R अपॉन 3R प्लस R, यानी 3R बाई 4 के बराबर का इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या 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 बोल रहे हो बेटे, एक बार फिर से बोलो। किससे किससे? यार तुम्हारी आवाज क्लियरली नहीं आ रही। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हो तुम? भाई इसमें तो सिमेट्री का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। समझ रहे हो कि नहीं? और बोलो भाई, और क्या डाउट है? ये कौन सा हो गया तुम्हारा, टेंथ, है ना। सर 22nd, 22nd, ओके। देखो भाई 22nd क्या है। अच्छा ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स वाला, अरे ये तो उस दिन डिस्कस किया था ना हमने, मैंने ग्रुप पे भी बताया था यार, ये किसी ने पूछा था। तो क्या बच्चों? सर देखता हूँ मैं ग्रुप। अरे ग्रुप चलो मत देखो, देखो ऐसे समझो, डायरेक्टली सुन लो, तुम कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं अपने को वो देखो। अपने को पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी डी, है ना। अब
तुम अगर इसका डायग्राम देखोगे तो ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में क्या है, कितने रेजिस्टर लगे हुए हैं, मतलब ए से बी के बीच में तुम्हारे पास ज्यादा स्लॉट्स अवेलेबल हैं क्या, दो तीन स्लॉट ही नजर आ रहे हैं ए से बी के बीच में बच्चों, वो तीन ही तो की नजर आ रही है कि ज्यादा की नजर आ रही है तुमको, तीन से तीन ही की नजर आ रही है ना। अब अगर तीन ही की नजर आ रही है तो इसका मतलब क्या है भैया, मतलब वहां पर एक दस सौ या दस सौ हजार इसी तरह का जनरेट, मतलब आप वो बना सकते हो, मतलब उन की से जो रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हो वो कुछ गिने चुने रेजिस्टेंस ही डेवलप कर सकते हो, है ना। तो ध्यान दो कि जब अपन पोस्ट ऑफिस बॉक्स का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उस पोस्ट ऑफिस बॉक्स के इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, आपको आर वन और आर टू टाइप के रेजिस्टर्स होते हैं। एक तो कैसे रेजिस्टर्स होते हैं, आर वन और आर टू, है ना, उनको मैं हमेशा दस दस के फैक्टर से बढ़ाता हूँ, एक दस सौ एक दस सौ, या तो आर वन को एक रखूंगा, आर टू को दस और सौ रखूंगा या वन रखूंगा, या आर वन को वन टेन हंड्रेड रखूंगा और आर टू को वन ओम रखूंगा, क्यों बेटा ऐसा ही करते हैं कि नहीं करते। और एक आपके पास रजिस्टर लगा हुआ होता है जो कि अननोन रजिस्टर के साथ सीरीज में लगा हुआ होता है, आर वाला, आर और एक्स जो एक साथ लगे हुए होते हैं ना, तो वो आर वाला रजिस्टर, उसमें उस आर की कई सारी अलग अलग वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है अपने को, उस आर के लिए कई सारी अलग अलग वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है नहीं, उस आर के लिए हमें वैल्यूज की कौन कौन सी जरूरत होती है, उसके लिए हमें जरूरत होती है किसकी, जैसे मान लो के उसके लिए हमें जरूरत पड़ गई वन की, टू की, थ्री की, है ना, ऐसे कई सारे अलग अलग रजिस्टर्स की जरूरत उसके लिए हमको पड़ जाती सर, है ना बेटा। हाँ बोलो, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक मिनट एक मिनट एक। सर इस 20 सेकंड वाले में व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बन रहा है, व्हीटस्टोन नहीं बनता, व्हीटस्टोन, अच्छा व्हीट स्टोन ही तो बनाते हैं अपन पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, व्हीट स्टोन ब्रिज ही तो बनाते हैं। तुमने पोस्ट ऑफिस बॉक्स वाली क्लास अटेंड नहीं करी थी क्या भाई, सर आपने पोस्ट ऑफिस बॉक्स बताया था, हाँ बताया था ना, नहीं सर नहीं बताया, पोस्ट ऑफिस बॉक्स बताया तो था तुमको, एक रेजिस्टेंस बॉक्स से पोस्ट ऑफिस बॉक्स कैसे रियलाइज करते हैं, अरे बताया था भाई, अच्छा अच्छा मैं सब नहीं यार, वो वाली क्लास नहीं थी, भाई जहां तक मेरे को याद है मैंने तुम्हारे बैच में ही बताया था, ये तुम्हारा कौन सा बैच है, ये बोरी वाली अंधेरी वाला ही तो बैच है ना बच्चों, विरार एबीवी है ना, ये सब पीवी वाला है, हाँ तुम्हारे बैच में ही तो बताया था यार पोस्ट ऑफिस बॉक्स, मीटर ब्रिज पढ़ाने के बाद बताया था ना तुम लोगों को, मीटर ब्रिज पढ़ा था अपन ने, मीटर ब्रिज के बाद पोस्ट ऑफिस बॉक्स पढ़ा था, देखो तुम्हारे कर... नहीं पढ़ा सर, मीटर ब्रिज तो लास्ट टॉपिक था, अच्छा हो सकता है तो मैं वो दूसरे वाले बैच में मैंने बताया तुम्हारे बैच में रह गया, देखो अभी बता देता हूँ मैं, पोस्ट
पोस्ट ऑफिस बॉक्स सुन लो, देखो पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से अपन रेजिस्टेंस पता लगाते हैं। स्क्रीन शेयर हुआ नहीं, एक मिनट एक मिनट, उसकी मदद से क्या पता लगाते हैं बेटे? पोस्ट ऑफिस बॉक्स की मदद से हम पता लगाते हैं रेजिस्टेंस, है ना। कैसे पता लगाते हैं वो देखो आप। भाई देखो बेसिकली उसमें कंसेप्ट जो होता है वो मीटर ब्रिज का ही यूज होता है, लेकिन मीटर ब्रिज में तो क्या होता है बच्चों, हमारे पास एक वायर होता है ना। वो वायर से अपन किसी भी रेशो के दो रेजिस्टेंसेस जनरेट कर लेते हैं, राइट। उस वायर से किसी भी रेशो के दो रेजिस्टेंस जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि एक वायर में रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनली तो होता है। तो आप उसकी लेंथ के अलोंग चलते चले जाओ, लेंथ के अलोंग चलते चले जाओगे तो क्या होगा, आपको अलग अलग रेजिस्टेंस जो है वो मिलता चला जाएगा। और जब नीचे वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस का रेशो ऊपर वाली ब्रांच के बराबर होता है तो बेसिकली व्हीट स्टोन ब्रिज के बैलेंसिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, गैल्वेनोमीटर जीरो करंट रिकॉर्ड करता है ना, गैल्वेनोमीटर का करंट हो जाता है जीरो। अब ध्यान दो कि अगर मान लो ऐसा हो जाए क्या कि हमें, लेकिन उसमें हमने देखा था कि भाई क्या होता है, कुछ ना कुछ एरर रह जाती है किसमें, जो हम मीटर ब्रिज की मदद से भी जो रेजिस्टेंस नापते हैं तो उसमें हम परसेंटेज एरर वगैरह की बात कर लेते हैं, भाई इतना परसेंटेज एरर इसमें हो जाता है। तो मैंने उसमें बताया भी था कि भाई जो बैलेंस पॉइंट है वो कहाँ पे आना चाहिए, वो बीच में आना चाहिए। बैलेंस पॉइंट जो आना चाहिए वो कहाँ पे आना चाहिए बच्चों, बीच में आना चाहिए। अब देखो बात आती है असली मुद्दे की, जिसको कि अपन बोलते हैं क्या, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स में क्या करते हैं बच्चों, देखो इन पोस्ट ऑफिस बॉक्स व्हाट वी डू इज दिस, एक व्हीटस्टोन ब्रिज का ही सर्किट बनाते हैं, है ना। कैसा सर्किट बनाते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही सर्किट बनाते हैं, उसी को रियलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसी को रियलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ रेजिस्टेंस बॉक्स। किसकी मदद से बेटे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से। यहां पर हम दो नॉन रेजिस्टर्स लगाते हैं, यहां भी एक नॉन रेजिस्टर लगाते हैं, यहां पर एक अननोन रेजिस्टर लगाते हैं, आर वन आर टू आर आर नॉन रेजिस्टर्स। एंड कैपिटल आर इज एन अननोन रेजिस्टर। सो कैपिटल एक्स, सॉरी कैपिटल एक्स इज एन अननोन रेजिस्टर। ठीक है, अब क्या होता है बेटे के अगर मान लो आर वन बाई आर टू बराबर हो जाए किसके, इफ आर वन बाई आर टू becomes equal to R by X, तो इसका मतलब क्या होगा, current through galvanometer will become zero, because potential of B will become equal to potential of D, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है बेटे? यस सर। अच्छा, लेकिन अगर मान लो R1 by R2 का रेशो
बड़ा रहे किससे, आर बाई एक्स से, तो क्या होगा? अगर आर वन बाई आर टू का रेशो आर बाई एक्स से बड़ा रहे तो आर वन के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा, ड्रॉप अक्रॉस आर वन विल बी ग्रेटर देन ड्रॉप अक्रॉस आर. क्यों बेटे? इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ बी विल बिकम लेस देन पोटेंशियल ऑफ डी इंप्लाइज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर विल फ्लो फ्रॉम डी टू बी. करंट इन गैल्वेनोमीटर विल फ्लो फ्रॉम डी टू बी. डी से बी जो है वो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करेगा, है ना? करंट इन गैल्वेनोमीटर विल फ्लो फ्रॉम बी टू डी. ये बात समझ में आती है? यस सर. यस सर. और अगर उल्टा हुआ, अगर आर वन बाई आर टू जो हुआ वो छोटा हो गया आर बाई एक्स से, तो क्या होगा बेटा? आर वन बाई आर टू अगर आर बाई एक्स से छोटा हो गया तो क्या होगा? करंट बी से डी आएगा. करंट बी से डी आएगा. इफ आर वन बाई आर टू इज लेस देन आर बाई एक्स देन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर will flow from किधर? B से D. ठीक है बेटा. तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, के आप R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 1 ले लो, है ना? R1 को ले लो 1 ओम, R2 को ले लो 1 ओम, है ना? और क्या करो, ये जो कैपिटल आर है ना इसको भी एक बार ले लो कितना, वन ओम. टेक कैपिटल आर आल्सो एज इक्वल टू वन ओम. अब मान लो हम क्या देखते हैं, व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट इफ वी ऑब्जर्व दैट सपोज वी ऑब्जर्व दैट current in galvanometer flows from D to B. ये वाला observation हुआ मान लो हमको, कहां से कहां flow कर रहा है, D से B. तो इस observation से हम इस conclusion पे पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? इस observation से क्या हम इस conclusion पे पहुंच सकते हैं? Yes sir. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया R1 by R2 जो है वो बड़ा है किससे, R by X से. आपको R1 R2 R की वैल्यू तो पता है, तो 1 by 1 बड़ा हो गया किससे, 1 by X से. इसका मतलब X जो है वो 1 ओम से बड़ा है. आपको ये चीज तो पता चल गई कि नहीं पता चल गई? Yes, sir. ठीक है.
केस वन का पार्ट ए एग्जीक्यूट किया है अभी आपने, केस वन का पार्ट ए। फिर उसके बाद आपको अगर पता चल गया कि एक्स ग्रेटर देन वन है तो आप क्या करो, आर वन को वन ओम ही रखो, आर टू को वन ओम रखो और आर को टू ओम कर दो। भाई वन ओम से बड़ा है तो क्या पता दो ओम हो, क्यों? तो मैंने क्या किया, आर को दो ओम कर दिया। भाई मेरा ये मानना है कि जो आर वन और आर टू का रेशियो है, आर वन और आर टू का रेशियो हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पे, वन इज टू वन। आर वन और आर टू का रेशियो वन इज टू वन रखा हुआ है ना बच्चों, तो वही रेशियो आर बाई एक्स का हो जाए तो गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो फ्लो कर जाएगा, है ना। तो मैंने पहले R को 1 ओम रखा था, लेकिन जब R को मैंने 1 ओम रखा तो मैं देखता हूं कि अरे R तो छोटा पड़ गया, R तो छोटा पड़ गया। अब R छोटा पड़ गया इसका मतलब क्या है, R को बढ़ाओ, x तो 1 ओम से बड़ा निकला तो r को बढ़ाया, तो r को मैंने अब कितना रख दिया, 2 ओम रख दिया, है ना। we still observe that current through galvanometer is from d to b, current from galvanometer is still from D to B, ठीक है। galvanometer में से जो current जो है वो अभी भी D से B flow कर रहा है। अगर अभी भी current D से flow B flow कर रहा है, इसका मतलब अभी भी क्या है, this means still R1 by R2 is greater than R by X, इसका मतलब 1 by 1 is greater than कितना 2 by x, यानि कि x जो है वो 2 ohm से बड़ा। x जो है वो 2 ohm से बड़ा। यहां से आपको पता चला भैया x तो 2 ohm से भी बड़ा निकला, है ना। फिर आपने कहा चलो मैं r को और बढ़ाता हूं, तो मैंने क्या कर दिया, R1 को 1 ओम, R2 को 1 ओम और R को 3 ओम रख दिया। अब जैसे ही मैंने R को 3 ओम रखा, we observe that current through galvanometer is from B to D। galvanometer में से जो current है वो कहाँ flow करने लग गया बेटे, बी से डी फ्लो करने लग गया। डी से बी फ्लो कर रहा था पहले, अब किधर, जैसे ही मैंने आर को तीन ओम किया किधर फ्लो करने लग गया, बी से डी, बी से डी फ्लो करने लग गया। इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये रिवर्स हो गई, क्यों बेटे? यस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब आर वन बाई आर टू छोटा हो गया है आर बाई एक्स से। R1 है 1, R2 है 1, R है 3, X तो पता नहीं है, ये छोटा हो गया। यानी यहां से मुझे पता चल गया X जो है वो 3 ओम से छोटा है। क्या पता चल गया बच्चों, X जो है वो 3 ओम से छोटा है ना। क्या ये बात क्लियर है, X जो है वो 3 ओम से छोटा। फिर अब कैसे करें, असा तो इसका मतलब अभी इस पूरे तीनों की ऑब्जर्वेशंस को अगर मिला दें, है ना, फ्रॉम ए बी एंड सी व्हाट कंक्लूजंस कैन वी ड्रॉ फ्रॉम ए बी एंड सी, व्हाट वी कैन से इज x इज बिटवीन 2 एंड 3, x लाइज बिटवीन 2 एंड 3, x lies between 2 and 3.
एक्स लाइज बिटवीन टू ओम एंड थ्री, ये बात समझ में आते हैं? एक्स लाइज बिटवीन टू ओम एंड थ्री, यहां तक हमारे समझ में आ गए। अब देखो, अब हमें हमें तो और इसकी वैल्यू पता लगानी है ना, इसका मतलब 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह का कुछ होगा, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, है ना, अब मैं क्या करता हूँ कि आर वन जो है ना, आर वन उसको कर देता हूँ, देखो ध्यान दो, सर्किट को मैं फिर से बना रहा हूँ, ये सर्किट है मेरा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये सॉरी ये R है और ये X है। अब R1 को रख दें 10 ओम, R2 को रख दो 1 ओम, ठीक है, R को रख दो कितना, देखो x जो है वो दो और तीन के बीच में है, है ना, मैंने r1 और r2 का रेशो 10 रख दिया, तो r और x का रेशो भी 10 बनाना चाहता हूं, तो x का 10 गुना क्या होता है, 20 से 30, अगर x 2 से 3 के बीच में लाई करता है तो x का 10 गुना 20 से 30 के बीच में लाई करेगा ना, तो r को आप रख दो 20 ओम रख दो पहले, ठीक है, x की तो जो वैल्यू है वो है ही सही, ये पॉइंट b है, ये d है, ये a है, ये c है, यहां से तो बैटरी लगा रखी है हमने, ठीक है, अब क्या होगा, हम ऑब्जर्व करते हैं, we observe that current flows from D to B, D से B flow कर रहा है sub current, D से B current flow कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर current D से B flow कर रहा है इसका मतलब potential of D कम है, यानी R के across drop ज्यादा आया है, तो R by sorry D का potential ज्यादा है, इसका मतलब R के अक्रॉस ड्रॉप कम आया है, तो R by X छोटा है किससे, R1 by R2 से, तो R की वैल्यू पुट कर दो 20 X, R1 हो गया 10, R2 हो गया 1, तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, X जो है greater than 2, greater than 2, ये पता चल गया, वो तो पहले से ही पता था हमको, है ना, आप कहोगे सर इसमें क्या नई बात पता चली, तो पहले से ही पता थी, देखो अभी पता चलेगी, आप क्या करो R1 को 10 ओम ही रखो, R2 को 1 ओम रखो, और अब के बाद R को क्या रखो आप 21 ओम रख दो, आर को कितना रख दो 21 ओम, है ना, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व दैट करंट फ्लोस फ्रॉम डी टू बी, करंट अभी भी डी से बी फ्लो कर रहा है, डी से बी फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या है, R by X is still less than R1 by R2, यानि के X is still greater than R into R2 by R1, तो क्या हो जाएगा, capital R की value रख दिया मैंने कितना 21, R2 कितना है 1, R1 कितना है 10, तो इसका मतलब x is greater than 2.1 ohm, x किससे बड़ा है,
2.1 ओम से भी बड़ा है, ये पता चल गया। सर फिर आपने कहा, आपने कहा आर वन को 10 रखो, आर टू को 1 रखो और आर को 22 ओम रख दो। मान लो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज फ्रॉम डी टू बी है, तो यहां से क्या पता चल जाएगा बच्चों आपको, एक्स ग्रेटर देन 2.2 ओम, ये पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. फिर वापस आर वन को 10, आर टू को 1 और R को 23 ओम रखो। मान लो आप देखते हो IG is from still from D2B, तो इसका मतलब X जो है वो greater than 2.3 ओम है ना। फिर जब आप आगे जाते हो आप क्या करते हो, R1 को 10 रखते हो, R2 को 1 रखते हो और R को 24 ओम रखते हो, तो आप देखते हो करंट इन गैल्वेनोमीटर इज फ्रॉम बी टू डी, करंट की दिशा उल्टी हो गई है, उल्टी हो गई है। इसका मतलब क्या है, बी का पोटेंशियल हाई है, बी का पोटेंशियल हाई है मतलब आर वन के अक्रॉस ड्रॉप कम आ रहा है, तो आर वन बाई आर टू इज लेस देन आर बाई एक्स, तो 10/1 इज लेस देन 24/x, यानी एक्स जो है वो 2.4 ओम से तो छोटा है बच्चों। इस पूरी इस पूरे से क्या कंक्लूड करके कर दिया हमने, 2.3 ओम से 2.4 ओम के बीच में एक्स लाई करता, एक्स लाइज बिटवीन 2.3 ओम टू 2.4 ओम। X lies between 2.3 ohm to 2.4 ohm. ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? Yes sir. फिर इसके अगली बात, इसके बाद क्या करें? इसके बाद अब क्या करें, देखो अब 2.3 तो पता चल गया, 2.3 तक तो डेसिमल प्लेस है ही सही, है ना? अब इसके आगे की बात जाननी है हमको, आगे की बात जाननी है से हमारा मतलब क्या है, 2.31 है या 2.32 है या 2.33 है, ये क्या है ये पता करना है। तो अब ये कैसे पता करें साहब, मतलब सेकंड डेसिमल प्लेस की बात आ रही है, तो सेकंड डेसिमल प्लेस को पता करने के लिए आप क्या करो, R1 को ले लो 100 ओम, R2 को ले लो 1 ओम, है ना? और अब हमें ये तो पता ही है कि भाई 2.3 और 2.4 के बीच में लाई करेगा, तो उसका 100 गुना 230 और 240 के बीच में लाई करेगा, तो और 230 से तो बड़ा ही होगा, है ना, क्योंकि x 2.3 से बड़ा है। तो आप क्या करो, r को चालू करो 231 ओम्स, है ना, और x तो जो है वो है। मान लो आप ऑब्जर्व करते हो दैट IG is from D to B, D से B flow कर रहा है, यानी D का potential ज्यादा है, मतलब R के across drop कम आ रहा है, तो R by X is less than R1 by R2, यानी कि क्या हो गया, R की value अपन ने रखी है 231, X is less than 100/1, यानी x is greater than 2.31 ohm। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, x जो है वो 2.31 ohm से बड़ा है, बोलो बच्चों। Yes, x जो है वो 2.31 ohm से बड़ा। फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो x 2.31 ohm से बड़ा है, तो x का जो 100 गुना होगा यानी वो 231 से बड़ा है, r 231 पहले ही, अब 232 यूज कर लेते हैं। r1 को तो 100 ओम रखा, r2 को 1 ओम रखा और r को अब रख दिया 232 ओम,
तो हम क्या देखते हैं, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज फ्रॉम बी टू डी. जैसे ही 232 रखा, मान लो अपन देखते हैं कि करंट बी से डी फ्लो करने लग गया. बी से डी फ्लो करने लग गया मतलब बी में बी का पोटेंशियल ज्यादा है. बी का पोटेंशियल ज्यादा है मतलब आर वन के अक्रॉस ड्रॉप कम आ रहा है. तो आर वन बाई आर टू इज लेस देन आर बाई एक्स. R1 को रखा 100, R2 को रखा 1 is less than 232 by X. तो X की क्या वैल्यू आ गई, less than 2.32 ohm. तो इस पूरे से मैंने क्या कंक्लूजन पे पहुंचा, इससे मैं ये कंक्लूजन पे पहुंचा कि X की वैल्यू 2.31 ohm से तो बड़ी है लेकिन 2.32 ओम से तो छोटी. क्यों बेटे? यस, ये बात समझ में आती. है ना? तो अब 2.31 तक तो पता चल गया ना. 2.311 हो सकता है, 2.322 हो सकता है, 2.333 हो सकता है, यही सब वैल्यू तो हो सकती है. 2.31 तक तो बिल्कुल 100% क्लियर हो गया बेटे. यस सर, ये बात समझ में आती है. अब अगर आपको मान लो रिक्वायरमेंट है कि एक और डेसिमल प्लेस तक जानना चाहते हो तो क्या करोगे, R1 को 1000 और R2 को 1 यूज कर लो. क्यों बच्चों, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? यस सर. R1 को 1000 और R2 को 1 ओम यूज कर लो. और ऐसा जब आप करोगे तो क्या होगा, फिर आपको वो अगला डेसिमल प्लेस तक चालू कर जाएगा. और जब आप ऐसा करोगे तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उस केस में आपको जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर की वैल्यू कहां से चालू करनी पड़ेगी भाई? 2311 से चालू करेंगे, है ना भाई? 10 से तो बड़ा है ही सही, है ना? तो कहां से चालू करेंगे, 2311 से चालू. समझ में आ गई बात तुम्हारे? यस सर. है ना? तो ये जो डिवाइस होती है इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स. और इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको यूज करते हैं इन डिटरमाइनिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन रेजिस्टर. इसको यूज करते हैं इन डिटरमाइनिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन रेजिस्टर. इज दिस क्लियर? Yes. है ना? अच्छा, अब मुद्दे की बात ये आती है कि वो जो तुमने वो क्वेश्चन मुझसे पूछा था उसमें तो सर एक अजीबो गरीब सा डायग्राम बना रखा था, तो उसका इससे क्या संबंध है, इन दोनों के बीच में लिंक क्या है, है ना? अब देखो लेबोरेटरी में तुम ये चार चार रेजिस्टर कैसे लेकर के आओगे, है ना? बल्कि चार चार रेजिस्टर तो सिर्फ कहने के लिए हैं. आप सोचो अपन ने कितनी अलग अलग वैल्यू यूज करी. जैसे R1 की वैल्यू मैंने क्या क्या यूज कर ली, 1, 10, 100, और आगे भी जरूरत पड़े तो 1000 तक जानी पड़ेगी कि नहीं जानी पड़ेगी? यस सर. है ना? R2 की हमने 1 ओम ही यूज करी है. R2 की वैल्यू मैंने सिर्फ क्या यूज करी, 1 ओम ही यूज करी, है ना? अच्छा, कैपिटल आर की मैंने बहुत अलग अलग वैल्यू यूज करी. कैपिटल आर की वैल्यू यूज करी 1, 2, 3, 4, ये यूज करी, है ना? या 1, 2, 3 तो यूज करी करी. फिर उसके बाद 21, 22, 23 ये भी यूज करी. फिर उसके बाद 231, 232, 233 इस तरह की वैल्यूज भी यूज करी, है ना? तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि भाई ऊपर वाले जो दो रजिस्टर है ना, आर वन और आर टू, ये तो ऐसे चाहिए कि भाई इनकी ज्यादा अलग अलग वैल्यू नहीं चाहिए. 10 के मल्टीपल वाले भी मिल जाएंगे तो मेरा काम चल जाएगा. 1, 10, 100, 1000 से काम अपना चल जाएगा, है ना? तो अब क्या होता है बेटे,
लैब में एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। देखो ऊपर से देखोगे तो ये ऐसा डब्बे जैसा दिखेगा तुमको, है ना, एक क्यूब जैसा दिखेगा, ये इसका टॉप व्यू बता रहा हूं मैं तुमको। और वहां पे कई सारे ऐसे प्लग्स लगे हुए होते हैं, है ना। और इंटरनली अगर तुम देखोगे तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इंटरनली देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे ये कई सारे प्लग्स लगे हुए होते हैं, इन अलग अलग प्लग्स के बीच में क्या होता है, अलग अलग रेजिस्टेंसेस होते हैं, है ना। इन अलग अलग प्लग्स के बीच में अलग अलग रेजिस्टेंसेस होते हैं। अब क्या करना है बच्चों हमको, इनकी रेजिस्टेंसेस की मदद से हमें वो तीन रेजिस्टर तैयार करने हैं, R1, R2 और कैपिटल R। R1, R2 और कैपिटल R। ये बात समझ में आती है बेटे? यस सर। तो देखो क्या करते हैं, एक हम एक टर्मिनल यहां से निकाल लेते हैं, एक टर्मिनल यहां से निकाल लेते हैं, एक टर्मिनल यहां से निकाल लेते हैं और एक टर्मिनल ये निकाल लेते हैं, है ना। देखो क्या होता है बेटे, जैसे यहां पर मान लो 1 ओम लगा हुआ होगा, यहां पर 10 ओम लगा हुआ होगा, ये 1 ओम का रजिस्टर होगा, ये 10 ओम का रजिस्टर होगा, ये 100 ओम का रजिस्टर होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी 1 ओम का होगा, 10 ओम का होगा, 100 ओम का होगा, और यहाँ पर बीच में कई सारे रेजिस्टर्स होंगे, है ना, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, है ना, ऐसे 1 1 1 वाले भी होंगे, फिर 10 10 10 वाले भी होंगे, फिर 100 100 100 वाले भी होंगे, ठीक है। अब क्या है, जब जैसे इसके बीच में से अगर आप अलग अलग रेजिस्टेंस को एट ए टाइम यूज करोगे तो क्या होगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप अलग 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 कई सारे रेजिस्टर जनरेट कर सकते हो। तो इसको तो आप R1 की तरह से यूज कर लो, है ना, इधर वाले को आप कैसे यूज कर लो, R2 की तरह से यूज कर लो, और ये जो पूरा बचा इसको किसकी तरह से यूज कर लो, R की तरह से यूज कर लो। जब जो रजिस्टर चाहिए ना, इसमें एक मतलब अपने पास मैकेनिज्म होता है, एक इसमें फैसिलिटी देके रखते हैं, जब जो रजिस्टर चाहिए तब वो रजिस्टर आप यूज कर सकते हो, जब आपको जैसा रजिस्टर चाहिए तब आप वो रजिस्टर जो है वो यूज कर सकते हो बच्चों, है ना। तो क्या है, अब जैसे अगर अपन इसकी मदद से वो सर्किट का रियलाइजेशन देखें तो वो कैसा होगा बेटे, ध्यान देना, मान लो ये पॉइंट है कुछ ए, ये पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है सी, ये वाला पॉइंट है डी, ठीक है। तो आप देखो ये जो आर है ना, आर R किस किस के बीच में लगा हुआ है, C और D के बीच में, R किस किस पॉइंट के बीच में लगा हुआ है बेटे, C के बीच में और D के बीच में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ भाई, हाँ, तो R को मैं C और D, तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ D, इसको नाम दे देता हूँ C, ठीक है।
अब सी से एक और रेजिस्टर कनेक्ट होकर के बी पे जा रहा है, तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूं बी, और ये वाले रेजिस्टर को नाम दे दूंगा आर वन। यहां मैंने आर टू लिख दिया है, तो उसको आर टू ना लिख करके क्या नाम दे दो आप, आर। और ये वाला पॉइंट हो जाएगा फिर कौन सा, ए, और ए के बीच में लगा हुआ है, ए और बी के बीच में लगा हुआ है आर वन, तो इस रजिस्टर को नाम दे दो कितना, आर वन। ठीक है, अब जैसे इसमें हमसे पूछ लिया जाता है अननोन रजिस्टर कहाँ लगाएंगे, तो देखो किन किन टर्मिनल के बीच में आ रहा है अननोन रजिस्टर, ए और डी के बीच में, यहां पर ए और डी के बीच में आ रहा है, तो ए और डी के बीच में अननोन रजिस्टर लगा दो। समझ में आई कि नहीं आई बात बच्चों? यस सर। ठीक है, ये होता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ठीक है बच्चों, अभी का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज टू पार्ट वन हो गया क्या कंप्लीट अपना, क्या कुछ बच रहा है इसमें से? हाँ जल्दी बोलो, एक्सरसाइज टू पार्ट वन हो गया, 19th क्वेश्चन में डाउट है। ओके, an ammeter and voltmeter are joined in a series to cell, their readings are A and V respectively. If a resistance is now joined in parallel with voltmeter, then, है ना? देखो क्या किया हमने? एक ammeter और एक voltmeter को हमने एक battery के साथ series में join कर दिया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या करते हैं, अ रेजिस्टेंस इज नाउ जॉइंड इन पैरेलल विद द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में जॉइन कर दिया, तो क्या होगा बच्चों, वोल्टमीटर के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस जॉइन कर दोगे तो इन दोनों का मिलाकर के रेजिस्टेंस जो भी पहले से होगा उससे तो कम ही हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता ही होता है ना, तो रेजिस्टेंस आपका कम हो गया, तो पूरे सर्किट का ही रेजिस्टेंस कम हो गया। अब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो गया तो क्या होगा बच्चों, अगर पूरे सर्किट का ही रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो अमीटर की रीडिंग बढ़ेगी, और लेकिन अमीटर के अक्रॉस ड्रॉप और इस पूरे के अक्रॉस ड्रॉप तो बैटरी के ईएमएफ के बराबर है, तो अमीटर की रीडिंग बढ़ गई तो उसके अक्रॉस ड्रॉप भी बढ़ गया, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग ऑफ कोर्स कम हो जाएगी। बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर वोल्ट मीटर का कैसे किया आपने? भाई मैंने ये कहा कि अमीटर में से करंट बढ़ गया, ये बात समझ में आ गई तुमको? हाँ सर। अमीटर में से करंट बढ़ गया मतलब अमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ गया, क्योंकि अमीटर का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। हाँ सर, अमीटर का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो करंट बढ़ गया तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ गया। अच्छा, अमीटर और वोल्टमीटर के अक्रॉस ड्रॉप का सम ई के बराबर ही तो रहेगा। यस सर, समझ गया। है ना, तो जाहिर सी बात है कि अगर ए ये बढ़ गया तो वोल्टमीटर वाला कम होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही? यस सर, समझ। ठीक है बच्चों, तो बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही पढ़ते हैं। तो कुछ लोग पनवेल वाले बच्चों ने भी ज्वाइन कर लिया है क्या पीसीपी? यस सर। हाँ सर। ओके ओके, तो मैं अभी मीटिंग को जस्ट एंड करके दोबारा चालू कर रहा हूँ बच्चों, है ना, बस तो आप लोग रुकिए। I'm joining. Bye, 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 bye.